बैक टू आवर चैनल दीप नाइन यूट्यूब और उम्मीद रखता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज का एक नया इंटरेस्टिंग व्लॉग आपके सामने आने वाला है और इस व्लॉग में आपको मैं बहुत कुछ जानकारी दूंगा, खासकर आप यूट्यूब पे काम करते हैं या फिर वो स्टडी करते हैं, मतलब दोनों के लिए वो चीज़ उपयोगी आपके लिए, क्योंकि ऐसी जानकारी देने वाला हूँ मैं इस व्लॉग के बारे में। और आप मैंने आज तक नाणुंद में देखा नहीं भाई ऐसा जो काम भाई ने किया हुआ, एक भाई है उनका नाम भी बताएंगे आपको, सारी बातें डिस्कस करेंगे। मतलब कि चलो उन्होंने एक सीपीयू लिया हुआ है और सीपीयू आमतौर पर आपने देखा होगा कि जो मतलब लोग यूज़ करते हैं 5,000 रुपये का, 10,000 रुपये का या फिर मैक्सिमम 20,000 रुपये तक का लोग क्या करते हैं कि सीपीयू यूज़ करते हैं और 4-5 हज़ार रुपये की एलईडी आ जाती है, 5,000 रुपये की राम से आ जाती है। यानी जो पूरा प्रोसेस होता है कंप्यूटर है वो 25,000 तक यानी 20,000 तक हो ही जाता है नॉर्मल हम देखे तो। लेकिन नाणुंद में मैंने पहली बार देखा कि भाई 1.5 लाख रुपये से ऊपर का सीपीयू, सिर्फ सीपीयू की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों, सिर्फ सीपीयू की। उसके बाद में जो आगे एलईडी होती है, जो भी सिस्टम होता है, कीबोर्ड होते हैं, मतलब सब कुछ जेन्युइन ले रखा भाई ने। तो मैंने सोचा कि ये जानकारी आपके साथ में शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको भी पता चले भाई 1.5 लाख रुपये से ऊपर का जो सीपीयू है उसके अंदर ऐसा क्या है। तो जल्दी से मैं मिलवाता हूँ भाई बलराज लोहान से जो मेरे साथ में है। तो ये है भाई बलराज लोहान। हेलो भाइयों, कैसे हैं आप सब? और भाई कैसे हो? बढ़िया सर। भाई साहब आपसे कुछ बात जाननी थी, मैंने आपका देखा यूमा भी आपके पास में आया हूँ, तो सबसे पहले जो मेरी नज़र गई आपके सीपीयू पर गई। बिल्कुल जी। तो मैंने सोचा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है भाई पब्लिक के साथ में शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग क्या कर देते हैं कई बार 2-2-3-3 लाख रुपये लगा देते हैं लेकिन उनको नॉलेज नहीं होती। तो इस वीडियो के माध्यम से सभी को एक बार पता चल जाएगा भाई इस चीज़ में, इस मतलब सीपीयू में क्या क्या प्रोसेस है, इसमें क्या कुछ इसका पूरा सेटअप है, प्रोसेसिंग इसकी कितनी है, कितना टाइम में चलता है, वो बंद होता है, मतलब सारी बातें इन भाई से शेयर करेंगे। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छे होने वाली है, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो भाई साहब बताना है एक बार इसके बारे में। देखो सबसे पहले तो है ना सीपीयू से हटके मैं छोटी सी एक बात करना चाहता हूँ आप सबसे, कि आपका जो यूट्यूब का सेटअप होना चाहिए किस तरीके का होना चाहिए। एक होता है भाई सिंपल सेटअप जिसमें भी आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं उसके लिए आपको सेटअप लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप ये प्रोफेशनल सेटअप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप प्रोफेशनल नहीं हैं। आपके अंदर ये गुण है कि आप स्किल हैं कि आप मतलब इस पे काम करने के सक्षम है, लेकिन आपके पास इतना सेटअप नहीं है तो आपकी वो सारे स्किल्स बेकार हो जाते हैं। आप किसी वीडियो एडिटर को या फिर किसी फोटो एडिटिंग ऐप को हायर करते हैं अपने काम करवाने के लिए, लेकिन अगर आपको खुद को अगर ये काम आता है तो आपके लिए सेटअप किस तरीके का होना चाहिए आज मैं आपको पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि भाई ने बोला कि ये सीपीयू इसको मन को भा गया यानी कि पसंद आ गया इसको, तो इसमें ऐसा क्या है कि इसके ऊपर 1.5 लाख से ऊपर जो खर्चा लगा देखता है उसको भा जाता है। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सेटअप जो है स्टूडियो का सेटअप है, यूट्यूब का है, वीडियो एडिटिंग का है, डिजाइनिंग का है, आपके लिए ये पीसी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस पीसी को नहीं खरीदते हैं तो आपकी स्किल्स बहुत ज़्यादा डाउन चली जाएंगी, इन फ्यूचर भी आप कोई भी काम ऐसा नॉर्मल पीसी के ऊपर नहीं कर पाएंगे। अगर आप कर पाना चाहते हैं, अपना स्किल दिखाना चाहते हैं तो ऐसा सेटअप आपने लगाना पड़ेगा। चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं कि इस कंप्यूटर के अंदर ऐसा क्या, इस सीपीयू के अंदर ऐसा क्या है जो आपको खल रहा है कि ऐसा क्या है वो इतने पैसे लग गए। सबसे पहले ये जो हमारा सिस्टम है ये हमारा है i7 12th generation लेटेस्ट में है और इसके अंदर इतना मतलब इम्प्रूवमेंट है, जो इससे नीचे वाले जो प्रोसेसर हैं उनसे बहुत ज़्यादा स्पीड है इसकी, क्लॉक स्पीड इसकी 5 की है, ऑक्टा कोर से भी ज़्यादा इसमें स्पीड है। और इसमें ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है भाई, जो ग्राफिक कार्ड की क्वालिटी है एक नंबर की है। इसमें है हमारा GT 360 जो ग्राफिक कार्ड है कम से कम 70-72 हज़ार रुपये का आता है जो इसके अंदर अभी लगा हुआ है। i7 का है 65-70 हज़ार रुपये का जो प्रोसेसर है वो इसके अंदर लगा हुआ है। इसके अंदर ये आपको LEDs लगी दिख रही होंगी, ये पूरा का पूरा कैबिनेट आता है भाई 20-25 हज़ार रुपये का कंप्लीट। देखिए इसमें यहाँ पर शीशा लगा हुआ है ना कि कोई मेटल लगी हुई है।
ऊपर से मैग्नेटिक स्ट्राइप लगी हुई है ताकि कोई भी गंदगी अंदर ना जा सके। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ मैग्नेट लगी हुई है, आप इसको उतार करके साफ कर सकते हैं और दोबारा से इसको यहाँ पर ऑटोमेटिक फिक्स भी कर सकते हैं। ये देखिए इसके अंदर आपको, चलो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर शीशा लगा हुआ है, ग्लास लगा हुआ है। इसके अंदर आपको जो ये ग्राफिक कार्ड नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, ये ग्राफिक कार्ड आता है 70 से 72 हज़ार रुपये का। i7 प्रोसेसर है वो आता आपका 65 से 70 हज़ार का। उसके बाद इसके अंदर NVMe SSD लगी हुई है और 32 GB रैम लगी हुई है। इसके इसमें आप बहुत ज़्यादा और भी आगे बढ़ा सकते हो, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपकी सिर्फ 32 GB तक ही रहेगी, आप इसको बढ़ा सकते हो। और इसके अंदर कलरफुल जो फैन लगे हुए हैं जो इसकी गर्मी को बाहर की तरफ निकाल देते हैं। इसके अंदर भाई 4 HDMI पोर्ट लगे हुए हैं, 1 HDMI है, बाकी इसमें दूसरे पोर्ट है जिसमें और भी हाई डेफिनेशन क्लासिक व्यू देखने को आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप यहां पर देख रहे हैं, पोर्ट भी देख रहे होंगे, आपको USB पोर्ट्स भी इसमें सफिशियंट दे रखे हैं, जितने आपको चाहिए होते हैं वो आपके पोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसमें देखिए USB-C टाइप का भी पोर्ट दे रखा है साथ में, यहाँ पर 3.5 USB 3 के भी जो हैं पोर्ट दे रखे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। उसके बाद ईथरनेट कनेक्शन है इसमें, हाई स्पीड 200 MB/s का स्पीड का नेट लगा हुआ है इसके अंदर, और यहाँ पर आपको ऑन ऑफ का बटन SMPS में देखने को मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आपको पावर सप्लाई देखने को मिल जाएगी, मतलब एक हाई क्वालिटी और हाई ब्लास्टिंग सॉफ्ट, ये जो हार्डवेयर आपको एक्सेसरी दिख रही है इसमें लगी हुई है। इसका वेट कितना प्रॉपर, इसका पूरा का वेट, इसका पूरा वेट भाई कम से कम भी ये लगा के चलो आप 15 से 18 किलो का ये पूरा होता है। इसमें आपको क्या क्या सुविधाएं देखने को मिलती है कि इसमें है ना, किसी भी हार्डवेयर को आप आसानी से लगा सकते हैं, स्पेस बहुत ज़्यादा है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा ना इसको ओपन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये देखिए हमने ओपन कर लिया है इसको, कोई इसके अंदर करंट नहीं लगेगा आपको। ये देखिए हमने नट लगा निकाल दिए हैं इसके, नहीं अभी इसको छोड़ देते हैं, बाद में कर देंगे। अभी इसको देखिए हम शीशे को स्लाइड कर लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ से स्लाइड कर लिया है हमने इसको और हमने इसको ऐसे निकाल दिया है। आइए चलते हैं, अब आपको क्लियर शॉट दिखाई दे सकते हैं इसके अंदर, थोड़ा सा आगे लेके आओ इसको एक बार। यहाँ पर आपको देखिए रैम दिखेंगी, देखिए 2 RAM लगी हुई है अभी यहाँ पर, जो 16 GB की यानी कि अभी 32 GB हैं, और इसके अंदर अदर तीसरे चार पोर्ट हैं रैम के, आप इसमें 2 RAM और लगा सकते हैं 32 GB की, 64 GB की, जितनी भी आपकी रैम आपकी कैपेसिटी आपकी लेने की आप इसके अंदर रैम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये देखिए छोटी सी जो दिख रही है आपको, इसमें 500 GB की NVMe SSD लगी हुई है, जिसमें आपको क्लियर मतलब इतनी स्मूथनेस मिलेगी, वर्क करते वक्त आपको समस्या नहीं आएगी। और ऊपर से इसमें i7 12th generation का लेटेस्ट प्रोसेसर लगा हुआ है, जिसमें और भी ज़्यादा स्पीड बढ़ जाती है। उसके बाद ये ग्राफिक कार्ड है, कलरफुल है, GeForce RTX 3060 यानी 3060 का इसके अंदर प्रोसेसर, जो ग्राफिक ड्राइवर है, ग्राफिक कार्ड है, वो लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए आपको हर चीज़ के कनेक्शन बिल्कुल आसानी से दिख जाएंगे। यहाँ पर आपको वायरिंग देखने को ज़्यादा नहीं मिलेगी, आप थोड़ा सा बैक करिए, यहाँ पर देखिए आपको कहीं भी ज़्यादा वायरिंग की झंझट नहीं है, क्योंकि इसका जो सारा वायरिंग का सेटअप है वो पीछे की तरफ एक कॉलम में दे रखा है, वो हट जाता है, आप इसमें सिर्फ मेन वायरिंग ही देख सकते हैं। आप ये बताइए इसमें ज़्यादा वायरिंग कहाँ दिख रही है आपको, कहीं भी भाई बिल्कुल नहीं, वायरिंग सारी वायरिंग छिपी हुई है इसमें, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, किसी को भद्दा मतलब नहीं दिखेगा। उसके बाद नीचे की तरफ है ये SMPS यानी कि पावर सप्लाई, देखिए पूरी बड़ी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की इसकी पावर सप्लाई है, और इतनी बड़ी पावर सप्लाई मैं नहीं समझता कि मतलब छोटे कंप्यूटर्स के अंदर कहीं ना कहीं दिखाई देगी। तो ये होती है पूरी की पूरी SMPS जो यहाँ पर लगी हुई है, इसमें SSD इसके अंदर ही नीचे लगी हुई है। और इसमें क्या है,
एक हाई वोल्टेज मतलब क्या है इसके अंदर डिजाइन दे रखा है और हाई वोल्टेज ही इसके अंदर काम होता है, इसमें आप लो वोल्टेज में काम नहीं कर सकते, इसलिए इसमें पावर सप्लाई भी बड़ी लगती है। रैम कितनी डालोगे आपने इसके अंदर? देखिए इसके अंदर रैम यहाँ पर होती है ये 32 GB हार्ड डिस्क, ये ग्राफिक कार्ड है हमारा। अच्छा इसके अंदर कितनी हो? ये 12 GB ग्राफिक कार्ड है। 12 GB? हाँ 12 GB ग्राफिक कार्ड है, और वैसे तो इसमें 8 GB का भी ग्राफिक कार्ड आता है लेकिन हमने 12 GB ग्राफिक कार्ड मंगवाया है। वर्क हमारा जो है, अगर हम आफ्टर इफेक्ट 3D में एनिमेशन का कोई काम करते हैं तो उसमें भी हमारा जो है वर्क स्मूथ चलेगा। और आप मान लो 2 घंटे की वीडियो रेंडरिंग कर रहे हैं तो वो 10 से 15 मिनट के अंदर हमारी रेंडर हो जाती है। अच्छा अच्छा हाँ ये आपने देख ही लिया है, ओपन है, इसमें आपको यहाँ पर इसको ऐसे रख देना है और ये ऑटोमेटिक मैग्नेटिक है तो ये यहाँ पर आसानी से फिट हो जाती है। ये आपका पावर बटन होता है, यहाँ पर आपके एक LED ये है और एक यहाँ पर, आप LED को चेंज भी कर सकते हैं। थोड़ा सामने से दिखाइए इसको, बैठिए, ये देखिए आप एक बटन के थ्रू यहाँ पर लाइटनिंग चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए कई कलर्स आप इसमें मोड चेंज कर सकते हो। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर भी ऊपर भी सामने की तरफ USB 3 का पोर्ट दिया गया है, 2 USB 2 के हैं, एक माइक का है और एक हेडफोन के लिए है। इसमें आपको फ्रंट की तरफ 3 LED दिखाई देंगी, पीछे की तरफ आपको 1 LED दिखाई देगी और यहाँ पर भी आपको, यहाँ पर आपको एक ब्लिंक लाइट दिखेगी जो आपको ये दिखाती रहेगी कि ये जो SSD है प्रोसेसर है ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये देखिए भाई, अब हम इसका बैक ओपन कर रहे हैं, बैक साइड व्यू ये देखिए, यहाँ पर दिखाइए सारी वायरिंग जो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ना बिल्कुल सूटेबल तरीके से लगाई गई है, कहीं कोई भी वायर मुड़ नहीं रही है, कहीं कोई भी वायर दिक्कत नहीं आ रही, कटफट नहीं जाएगी। यहाँ पर देखिए ये होता है हमारा लाइट मॉड्यूलर, यहाँ पर से आप सारी जो लाइटनिंग है इसके अंदर कनेक्ट कर देंगे और वहाँ जो ऊपर की तरफ बटन है यहाँ से आप पूरी लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको हर तरह की वायरिंग आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से सजाई हुई लगाई हुई मिलेगी। ये देखिए इसका एक पूरा प्लान है, यहाँ पर बॉक्स है, इसमें हम इसको सारे को रख देते हैं। ये देखिए यहाँ पर नाम लिखा हुआ है इसका डीप कूल, ये देखिए डीप कूल का नाम है इसके ऊपर, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो आपका एक कवर है पूरा का पूरा जो ये आपका है डीप कूल कंपनी का। अगर किसी भी भाई को चाहिए है तो डीप कूल की वेबसाइट पर जाकर इसको मंगवा सकता है। ये देखिए हम इसको अब क्लोज कर देते हैं, ये देखिए अब देखिए इसमें हमने इसको क्लोज कर दिया है और थोड़ा सा इसको हम पीछे की तरफ से यहां से सेट करते हुए लेकर जाएंगे, ये हो गया और अब हम इसको बंद कर देते हैं। ये देखिए अभी देखिए इसमें हम सारा कंप्लीट इसको पैक कर देते हैं। इसके अंदर मेन चीज क्या होती है? इसके अंदर मेन चीज होती है आपका प्रोसेसर और आपका जो है ये ग्राफिक कार्ड। अगर यही आपके अच्छे नहीं होंगे तो आप चाहे कितनी बड़ी SSD लगवा लो, कितना ही GB RAM लगवा लो, आपको बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। अगर आपने अच्छे तरीके से नहीं लगवाया है इसको तो आप इसको लगवा सकते हैं। अगर आपका फिर भी कोई कमेंट रहता तो, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, तो भाई के चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं, इनका चैनल जानने की भी कोशिश करेंगे, इन्हीं से पूछेंगे। तो इससे पहले और भी कुछ सेटअप रहता है जैसा कि आप कीबोर्ड देख रहे हैं, इसमें आपको सफाई का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। देखिए सफाई बहुत ज़रूरी है, अगर आप सफाई नहीं रखते हैं तो ये कंप्यूटर भी आपका चाहे कितना ही बड़ा ले लो वो भी आपका
ख़राब हो जाएगा। जैसे कि आपने अभी सीपीयू के बारे में कंप्लीट जानकारी दी और उम्मीद रखते हैं कि सभी को वही ये जानकारी अच्छी लगेगी। फिर भी कोई आपकी प्रॉब्लम रहती है तो भाई से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर हम आपका रिप्लाई देंगे।